हेलो फ्रेंड्स, माय गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विंटर्स के एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइन की, एक बहुत ही खूबसूरत पेल जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी बोअर। इसे क्लोरोडेंड्रम बोलते हैं। देखिए इसके फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल हैं, ऑरेंजिश रेड फ्लावर्स इसमें आते हैं बंचेस में। ये देखिए, इसे मैंने अपने गेट पे चढ़ा रखा है गार्डन के, एंड दे लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। इसका जो ब्लूमिंग सीजन है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर जनवरी में इसके फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स आते हैं। बहुत तेज़ी से बेल एक बार लगाने के बाद बढ़ती है। इसको लगाने के लिए आप कटिंग से या बीज से कैसे भी इसे लगा सकते हैं। मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। पानी आप इसको तभी दीजिए जब इसमें ऊपर की लेयर पे हल्का सा आप इसे मॉइस्ट रखिए। बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल हमें इसकी नहीं करनी है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हम इसको दे देते हैं, दो बार देते हैं। एक बार दिसंबर जनवरी में देते हैं जबकि इस पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, और दूसरा बारिश के बाद हम दे सकते हैं, अगस्त में, जुलाई अगस्त में दे देते हैं ताकि इसको वो धीरे धीरे स्लोली रिलीज होकर अच्छी तरह से इसकी बराबर हो जाती है। देखिए कितने इस पर कलियाँ आई हुई हैं, इसमें की फ्लावर्स खिलने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली ये बेल है। इसको आप अपने टेरेस पे, गार्डन में, कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है। प्रूनिंग हम इसकी दो बार करते हैं। एक तो जब इसका फ्लावरिंग आना बंद हो जाता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। दूसरा जब इसके शुरुआत में हम जुलाई अगस्त में भी बारिश के बाद एक बार प्रूनिंग कर दें तो इसमें जगह जगह से नई नई शाखाएँ फूटती हैं और नई नई फ्लावरिंग इसमें जनवरी दिसंबर जनवरी में आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा केयर करने की इसे ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक बार लगाने के बाद ये बेल आराम से लगी रहती है और आपके गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बेल लगाकर आप अपने गार्डन की सुबह बढ़ाइए, खुद भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी इस बेल का आनंद लेने दीजिए। ओके, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।